उज्जैन वेश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश उज्जैन इकाई द्वारा 8 फरवरी को स्थानीय प्रेस क्लब भवन तरण ताल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वेश्य महासम्मेलन जिला इकाई के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि उज्जैन संभाग में 170 से अधिक बच्चे थैलेसीमिया नामक घातक बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी में रोगी बच्चे को बार बार रक्त देना होता है। ऐसे में रक्त की अनुपलब्धता के चलते कई बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चों की जान बचाने के उद्देश्य से पिछले 10 वर्षों से उज्जैन संभाग के 7 जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन सतत किया जा रहा है। उज्जैन इकाई द्वारा इस वर्ष नानाजी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष लग रहा है, करीब 2-4-5 साल से लगातार ये काम होता जा रहा है और पूरी हमारी संस्था इस काम में लगी हुई है। डोनेट करने वाले वेश्य समाज से ही है? नहीं, डोनेट जरूरी नहीं कि वेश्य समाज ही डोनेट करे। हमारे क्या पेपर में जो न्यूज जाती है और हमारे पर्चे बढ़ते हैं उसका भी वॉकिंग से भी तीन लोग आके उन्हें जब पढ़ा कि यहाँ रक्तदान शिविर लगा है तो वो तीन लोग अलग से आके रक्तदान करके गए। हरदा जिले की रहड़गांव तहसील से 30 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी क्षेत्र में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक दर्जन के लगभग लोग हुए घायल। रहड़गांव तहसील के वन ग्राम आम सागर से चंद्रखाल बारात जा रही थी। ग्राम गोराखाल के पास सामने से आ रहे ट्रक को साइड देने के चलते बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। दूल्हे सहित एक दर्जन के लगभग महिला पुरुष एवं बच्चे घायल हुए हैं। हरदा से अर्जुन सेन की रिपोर्ट। पलटने की घटना है जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग को चोटें आई हैं, जिन्हें जिनको 108 द्वारा यहाँ पे लाया गया है, जिनका इलाज भी चल रहा है। कोई गंभीर कुछ 2-3 महिलाएं गंभीर हैं, जिनको कमर में चोट आई है, जिन्हें एक्सरे एडवाइस किया गया है, जिनका इलाज भी चल रहा है। इसको इलाज के बाद इसको प्राथमिक इलाज के बाद इसको जिला अस्पताल हरदा रेफर किया गया है। स्टेशन रोड पर नूतन स्कूल के सामने शुक्रवार रात करीब 9 बजे बाइक से जा रहे दिलीप पिता रमेश योगी और विक्की पिता सुरेश योगी निवासी कुमार गली को पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक से नीचे गिर गए और घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। यातायात सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को जीडीसी कॉलेज में स्कूली बच्चों ने नाटक का मंचन कर कॉलेज की छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान एसपी अनुराग शर्मा भी उपस्थित थे। एसपी ने भी छात्राओं को नियमों को लेकर अवगत कराया और कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से हम स्वयं अपने जीवन की रक्षा करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ परिवहन अधिकारी जया वसावा सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। सुरक्षा सप्ताह हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत एक नाटक का मंचन किया गया था। उस नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन हमारी सुरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए कितना आवश्यक है। उसी में हमने जीडीसी के माननीय प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेकर के स्कूल कॉलेज के बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से वाहनों पर लगे हुटर, सायरन और नंबर प्लेट पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि उज्जैन बाईपास पर वाहनों की चेकिंग की गई। जिन वाहनों पर अनाधिकृत रूप से नंबर प्लेट, हुटर और सायरन लगे हुए थे, उन वाहनों पर कार्यवाही करते हुए चालान बनाकर नंबर प्लेट जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। कम से कम अभी तक कितने चालान होंगे? अभी हमारे पास 8-10 चालान चल रहे हैं। अमाउंट अभी कितना हुआ टोटल? 3.5-4 डिंडोरी में आगामी 12 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर नगर और नर्मदा नदी के तट पर प्रतिवर्षानुसार आयोजित होने वाले भव्य आयोजन के लिए प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज सुबह से डिंडोरी कलेक्टर सुरभि गुप्ता, एसडीएम प्रीति यादव सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने नर्मदा नदी के तटों का जायजा लिया और नर्मदा नदी की सफाई की। सुरक्षा की दृष्टि से नदी में आपदा प्रबंधन की टीम और पुलिस बल जवान तैनात किए जाने और लोगों के मनोरंजन के लिए नौका विहार के साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में शासकीय योजनाओं की
विकास से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बिल्कुल देखे जाएंगे, इनफैक्ट हम लोग यहाँ इस घाट के सौंदर्यीकरण का भी एक प्लान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस घाट को अच्छे से डेवलप भी करेंगे और सफाई का भी और भी कार्यक्रम इस तरह के प्रशासन की तरफ से। बाकी आज हम लोगों ने एक बैठक भी बुलाई है, तो यहाँ पर घाट पर प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था और उत्कृष्ट ग्राउंड में जैसा कि मेला लगता है तो स्टॉल्स लगाने की व्यवस्था, पुलिस बल, तैराकों की व्यवस्था, ये सारी तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का नगर पालिका निगम चिरमिरी के मार्गों का डामरीकरण के बाद मार्गों का सीसीकरण कर मार्गों को चौड़ीकरण एवं मार्गों को संतुलन बनाने की पहल कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर के डमरू रेड्डी ने कई स्थानों में भूमि पूजन कर मार्गों के बाजू ऊपर नीचे मार्ग हो जाने के कारण इन मार्गों का सीसीकरण करने की पहल में मोहन कॉलोनी के 6 नंबर गोलाई से बुरगुंडी घाट तक मार्गों का सीसीकरण एवं चौड़ीकरण करने की पहल में महापौर ने भूमि पूजन कर कार्य शुरुआत की। छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। अभी हमने सड़कों को डामरीकरण किया है और डामरीकरण के बाद ये देखने में आ रहा है कि डामरीकरण रोड के बगल में, चूंकि अब रोड ऊंचा हो गया है तो बगल में भी अनबैलेंस हो रहे हैं लोग, तो हम लोगों ने उसको भी सीसीकरण करके सड़क को चौड़ीकरण भी कर रहे हैं और सड़क के संवर्धन के दिशा में काम कर रहे हैं। कल भी हमने कई सारा भूमि पूजन किया।